नमस्कार, मैं हूँ कल्पना भोंडेकर। इंडियन टेस्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं विदर्भ स्पेशल सांभर वड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिर चलिए बनाते हैं। तो ऊपर की कवरिंग के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है 1.5 कप हमने मैदा लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है। इन सब मसालों को हमें अभी मिक्स कर देना है। इसमें हम अभी गरम तेल डाल देंगे और इसे मिलाएंगे। इसे चम्मच से मिलाना है पहले, क्योंकि हाथ जल सकता है गरम तेल होने के कारण। ये कैसे लड्डू बन रहे हैं, ऐसे लड्डू बनना जरूरी है। अब हमें इसे अंदाजे से इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। हमारा सॉफ्ट डो बन गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं, तब तक हमारा डो सॉफ्ट होके रहेगा। अभी स्टफिंग बनाने के लिए हमें 1 चम्मच तेल लेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर उसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डाल दिया है, अभी राई डाल देंगे 1/2 चम्मच, जीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। अब हम इसमें खसखस डाल देंगे, इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ताकि जो खसखस का जो कच्चा स्वाद जो रहता है वो चले जाना चाहिए। अभी खसखस भून गई है, इसमें हम अभी सफेद तिल्ली डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स कितने चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं उसमें से। अब हम इसमें मूंगफली जो हमने भून लिया था उसे मोटा सा पीस लिया है मिक्सर में, उसे डाल देंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे हमने पहले ही भून लिया था इसलिए ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। मैंने नारियल को कद्दूकस करके रख लिया था, वो डाल दिया है। हमें सारे इंग्रेडिएंट सीम पे ही भूनना है। हम ये धनिया बारीक चॉप करके ले लिया है, उसे हम अभी डाल देंगे इसमें। अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच हमने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी चल रही है। इसे हमें ज्यादा नहीं चलाना है। ये सब धनिया डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट चलाना है बस। और भी रेसिपीज जानने के लिए इंडियन टेस्टी रेसिपीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। अभी हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसे इससे हम अभी पूरी बनाएंगे और उसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे और सांभर वड़ी बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाते हैं। पहले ऐसा गोल कर लेंगे और नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। जहाँ पे हमें पूरी बेलना है वहाँ थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और अभी हम पूरी बेलेंगे। पूरी ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही पतली होनी चाहिए। अभी हमारी पूरी बेल के हो गई है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद हम पूरी की एजिंग में पानी लगाएंगे। पानी लगाने से क्या होगा कि वो अपनी पूरी खुलेगी नहीं। अब हम इसे एक लेयर ऐसा कर लेंगे, दूसरी लेयर ऐसा चिपका देंगे,
दूसरी लेयर इसके ऊपर इस तरह से ले लिए। फिर ये यहां पर और भी डिजाइन देने के लिए बीच में से हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए हमारी बहुत ही सुंदर लग रही सांभर वड़ी बन गई है। इसे ऐसा प्रेस करने से एक फायदा होता है कि इसके जो लॉक है वो अच्छे से लग जाते हैं, अच्छे से चिपक जाती है और हमारी सांभर वड़ी खुलती नहीं है। तो ऐसे ही हम और भी सांभर वड़ी बना लेंगे। देखिए हमारी सांभर वड़ी अभी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे तेल में तल लेंगे। इसे हमें लो टू मीडियम हीट पर तलना है। देखिए जैसा गोल्डन कलर हम चाहते थे सांभर वड़ी में वैसे ही आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हमारी डिलीशियस सांभर वड़ी अभी रेडी है। उसे आप सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।